वडोदरा पासपोर्ट ऑफिस की एक बड़ी लापरवाही आज सामने आई है। दरअसल वडोदरा में एक महिला भाविका बहन के घर कुरियर से उनका पासपोर्ट पहुंचा। हालांकि जब उन्होंने कुरियर खोला तब पार्सल में उनकी बजाय किसी पुरुष का पासपोर्ट दिखाई दिया, जिसके चलते वो पासपोर्ट ऑफिस पर इस मामले की पेशकश के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद महिला की ओर से ये आरोप लगाए गए कि पासपोर्ट ऑफिस पर मौजूद कर्मचारियों की ओर से उनके साथ गलत बर्ताव करते हुए उन्हें खुद अहमदाबाद अर्जी कर इस मामले का समाधान ढूंढ निकालने की बात बताई गई, जिसके मद्देनज़र महिला भाविका बहन की ओर से काफ़ी रोष जताते हुए पासपोर्ट ऑफिस पर मौजूद कर्मचारियों के खिलाफ कई आरोप लगाए गए। हाँ, ऊपर जे नाम मारू नाम छे अने अंदर जे पासपोर्ट कोई बीजानो आपेलो छे। हवे अमे पासपोर्ट ऑफिस में दरखास्त करवा आईए छे तो कोई सांभळवा रेडी नथी अने एवुं के छे तमे तमारी जाते गया अने के पोस्ट करी दो। हवे अमे क्यां अमदावाद पोस्ट करवा जवाना हता पासपोर्ट हवे, अने मारो पासपोर्ट कोनी पासे छे मने शुं खबर कि कोनी पासे पासपोर्ट छे मारो, अने हवे अत्यारे अर्जंटमां अमारे जरूर पड़े तो हवे मारो पासपोर्ट क्यांथी रिसीव करवानो मारो? क्या खबर आ जस्ट मैंने कलाक पहला ज कुरियर वाला भाई मैंने आप आया घरे ऊपर स्पीड पोस्ट में ऊपर से मारु नाम छे ने अंदर छे बीजा नाम। અહીંયા રજૂઆત હું કરવા આવી તો ચોખ્ખું એવું કહે છે મને કે તમે તમારી જાતે અને અમદાવાદ કુરિયરમાં તમે પોસ્ટ કરી દો। હું કહું છું મારો પાસપોર્ટ ક્યાં હશે તો કે ખબર નહીં આવી જશે ઘરે, બસ એટલો જ જવાબ આપે છે મને। હવે મારી એટલી માંગણી છે કે મારો પાસપોર્ટ મને મારી ઘરે એ પાછો મોકલાવે, હું આમાં ક્યાંય કશું જ કરવાની નથી, હું ક્યાં આને કુરિયર કરવા, હું જોઈએ ઘરેથી તમે લઈ જાઓ અને મારો પાસપોર્ટ મને આપી જાઓ, બસ હું એટલું કહેવા માંગુ છું। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।